ऊंटों में चढ़े एक आदमी कहीं दूर जा रहा था, तो उसने ऊंट में चढ़ा रही डंडा मारा ऊंट को, वो थोड़े आगे गया, ऊंट दौड़ दौड़ के तो उसकी नकेल टूट गई। उधर से एक आदमी आ रहा था, उसने कहा भैया इतना तेज ऊंट जा रहा तुम कहाँ जाओगे, तो उसने ऊंट में जो चढ़ा हुआ था उसने जवाब दिया जहाँ ऊंट ले जाएगा। मैं सच कहता हूँ, सच बताओ तुम लोग अपने हृदय पे हाथ रख के कि तुम्हारा अगर शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने का कोई ये भी ठिकाना नहीं कब छूटेगा। कल रात तुमने सुना होगा कि अचानक दिल्ली से चंडीगढ़ कैरो जा रहे थे, रास्ते में गोली लग गई। क्या पता किस भरोसे किस भगत शरीर छूट जाए। इसको महात्मा ने समझाया, या तन काटा कुंभ था ले प्रेता साथ, और टपका लागा फूटिया कछुना आया हाथ। भाई क्या भरोसा शरीर का किस भगत छूट जाए, लेकिन निश्चित है छूटेगा। जब छूटेगा तो अभी बताओ तुम कहाँ जाओगे, बताओ कहाँ ध्यान है तुम्हारा, काहे में ध्यान लगाओगे, कौन जगह में ध्यान टिकाओगे, तुमको मालूम नहीं है। इसलिए इस बात को मालूम करो। गीता में भगवान ने कहा मेरा दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता है, ज्ञान नेत्रों से मेरा दर्शन हो सकता है। ये प्राकृतिक नेत्रों से तो तुम माया को देख सकते हो, प्रकृति को देख सकते हो, तो वो दिव्य नेत्र जो है अब नहीं तुम ढूंढोगे, तो जब मर के 84 में चले जाओगे तब ढूंढोगे। हम तुम्हें पूछते हैं कि अभी अगर तुम कुछ अपना जाने का प्रबंध नहीं करोगे कि कहाँ जाना है, तो फिर तुम क्या होगा, वही ऊंट वाली बात होगी कि जहां मन रूपी ऊंट ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा मन रूपी ऊंट तुमको, जिसकी तुमको लौ है, जिसको तुमको याद है, वही तो ले जाएगा। 84 सिवाय और कहाँ ले जाएगा। गुरु नानक साहब का भी तो यही कहना है, नाम को तो तुमको पता नहीं है, है तो बताओ दुनिया के लोगों। मैं समझता था कि दुनिया के लोग जानते हैं, मैं समझता था, लेकिन जब मैं मिला लोगों को तो देखा कि ये तो बिल्कुल अंधेरा है, जानते ही नहीं दुनिया। बड़े बड़े मंत्र जपवाएंगे, बड़े बड़े वेदांत बनेंगे, कहेंगे हम ब्रह्मस्मि। तीन सिद्धांत है देख लो, एक तो है अद्वैत वेदांत, एक है कि विशिष्टाद्वैत, और एक है द्वैत। द्वैत का सिद्धांत है कि जीव स्वतंत्र अलग है, वो कुछ दिन के लिए परमात्मा को मिल सकता है और फिर ऐसा ही हो जाता है, ये ठीक है, वो कुछ दिन की छुट्टी है समझो, जैसा कोई मिलिट्री से छुट्टी लेके कुछ दिन के लिए घर चला जाता है। विशिष्ट अद्वैत कहते हैं कि भगवान का जीव जो है वो भगवान को मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। और अद्वैत वेदांत का मतलब है मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है बस, दूसरा नहीं है। अच्छा मान लिया हमने दूसरा नहीं है, फिर वो कहते हैं बच्चा तुम जब समझोगे, जब तुम उठ जाओगे, एक सोया हुआ ब्रह्म है, एक जागा हुआ ब्रह्म है, दो हो गए। एक को समझा रहा है, एक समझा रहा है, एक को समझा रहा है, एक समझ रहा है, एक समझा रहा, तो दो हो गए। ऐसी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। जितने महापुरुष है उन्होंने भक्ति का आदेश किया है, और भक्ति करो सब बातें सहजी में स्मरण आ जाएंगी। कैसे आएंगे, तो तुलसीदास जी के रामायण में जैसा एक नट काम करता है, वो जम्बूरा होता है उसके साथ का जम्बूरा, तो जब वो नट काम करता है तो दुनिया के लोगों को तो बड़ा आश्रमाय होता है, बड़ा अद्भुत खेल मालूम होता है, लेकिन जो जम्बूरा है उसको, क्योंकि वो नित्य देखता है उसको, कोई भी खेल उसका आश्रयवत नहीं मालूम होता, वो सहजी में जानता है, वो तो ये तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जो सच्ची भक्ति को करता है, जिसने अपने लौ अपने हृदय में लगाई हुई है, जो सच्चे नाम को जानता है, उस सच्चे ज्योत को जानता है, जहाँ गीता में भगवान कहते 15 अध्याय के 6 श्लोक में, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं, चांद की रोशनी नहीं, अग्नि बिजली की रोशनी नहीं, स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश है, पाठ तो हमने कर लिया, और देखना कब है मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब मनुष्य जन्म पा के नहीं देखा तब तब देखना है। वो रोशनी को जो गीता में भगवान ने अर्जुन को जो दिखाया, जिसके बराबर 1000 सूर्यों की रोशनी नहीं होती है, वो रोशनी हमने कब देखना है, मनुष्य जन्म तो हमको अब मिला हुआ है, तो देखना कब है, यही टाइम है भाई, यही मनुष्य होने में, ये भोग होनी भी और कर्म होनी भी है। और इसलिए अब नहीं करोगे, अब चूक जाओगे, फिर तुम्हें समय नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है,
कि कमाओ और खाओ और फिर कमाओ और खाओ और मर जाओ। इसके लिए सूरदास जी कहते हैं, वो सम कौन कुटिल खलका में जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी भर भर उदर विषय को धावे जैसे शुक्र ग्रामी। मोशम कौन कुटिल खलका में जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी भर भर उदर विषय को धावे जैसे शुक्र ग्रामी। हरिजन चांद हरि विमुखन को निस्तन करत गुलामी, सूर्यपति को ठहर कहाँ है सुनिए श्रीपद स्वामी। जिसने सुंदर शरीर दिया है उसको भूल गया ये बड़ा नमक हरामी है कहते हैं। और क्या काम है इसका, पेट भर के पेटी के लिए फिर कमाने के लिए जाता है। भर भर उधर विषय को धावे जैसे गांव का स्वर की गति बताई, गांव की स्वर की जैसी गति है वैसे इस मनुष्य की गति है। इसलिए भाई सोचो विचार करो कि अंत समय में कैसे सुमरण हो सकेगा, कौन सा नाम सुमरण सकोगे, कौन सा मंत्र सुमरण कर सकोगे। और फिर छह श्लोक में बताया, तुम ये भी कहोगे अंत समय में कहेंगे भगवान का दावा है कि जो बात जन्म भर याद रहेगी वही मरण काल में भी याद आएगी। अभी तक तो तुमको मालूम भी नहीं, अभी तक तुमने उसको सुमरा नहीं, जाना नहीं, तो जन्म भर तो तुमने उसको जाना ही नहीं, तो मरते तो फिर कैसे याद आ जाएगा। इसलिए सब काल में तुम कहो कि हम दुनिया के झंझट में फंसे हुए हैं, कैसा ऐसा सुमरण कर सकेंगे। तो भगवान कहते हैं लड़ाई करो और मेरा सुमरण करो। अरे इस दुनिया में रहते हुए भगवान का सुमरण हो सकता है, भक्ति हो सकता है। जो भी भक्त हुए दुनिया में, यही दुनिया में रहते हुए भक्त हुए यही दुनिया में संसार में रहते हुए माया में रहते हुए माया का शरीर धारण करते हुए भक्ति किया है, वैसे ही भक्ति जब तुमको मालूम हो जाएगा। देखो गीता में बताया ऐसा तत्व कहाँ मिलेगा, तो चौथा अध्याय के चौथे श्लोक में बताया तत्व दर्शन के पास जाओ, दंडवत करो, प्रणाम करो, सेवा करो, निष्कपट भाव से छल छिद्र को त्याग के पूछो, वो तुमको बताएंगे। क्या बताएंगे, मंत्र तंत्र नहीं बताएंगे, कंठी माला नहीं बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, ज्ञान चक्षु देंगे, दिव्य चक्षु देंगे। और वो ज्ञान कैसा है, तो फिर कहते हैं भगवान नौ अध्याय के पहले श्लोक में कि अर्जुन को कहते हैं मैं ऐसा ज्ञान तुझे बताता हूँ जिसको जान जाएगा मैं दाई का साथ देता हूँ फिर चुप चुरा से बच जाओगे। ये भगवान कह रहे हैं इधम तुते गुहेतम प्रवक्ष्यामि अंशुभ ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञातवा मुख से सुबात, जिसको जान लेने से तो असुर से छूट जाएगा। अरे ऐसी बात तुम अब नहीं जानोगे कि जिसके जान लेने से तुम अशुभ से बच जाओगे, चौराहे से छूट जाओगे, ऐसी सस्ती बात होने पर और नहीं जानोगे तो फिर पछताओगे, जन्म जन्मांतर तक पछताओगे। फिर उसके भगवान की कृष्ण उस गीता का वो उस ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। राज विद्या, जितनी विद्या दुनिया में है सबका राजा, राजगुहा जितनी छिपी वस्तु है सबसे महान छिपी वस्तु है। हम रोज उसकी चर्चा करते हैं, रोज शास्त्रों में पढ़ते हैं और है भी हृदय में और फिर नहीं जानते इतनी महान छिपी हुई वस्तु है। तो राज विद्या राजगुहा उत्तम, बहुत उत्तम है, पवित्र है, बहुत पवित्र है और साधन करने को बड़ा सुगम है, बहुत आसान है। भक्त स्वतंत्र सकल सुखाने बिन सत्संग न पावे प्राणी, उसके लिए कोई नहीं, एक सत्संग के आधीन है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना सत्संग का उसका ज्ञान नहीं होता है, बड़ा ईशान है। उसमें कुछ हिंग लगे न फटगड़ी, कुछ जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, किसी चीज के अधीन नहीं है। ऐसी जो स्वतंत्र भक्ति है और अविनाशी है, धर्म अनुकूल है, उसमें अधर्म नहीं होता, बल्कि अधर्मी तो वो है जो कि अपने जानने वाले को नहीं पहचानता, अपने बनाने वाले को नहीं पहचानता। जिसने हमको सुंदर आंखें दी, सुंदर कान दिए, नाक दिया, हाथ दिए, टांग दिया, शरीर मनुष्य शरीर दिया जो देवताओं को दुर्लभ है, जिसमें बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े धनी हुए, बड़े बड़े सूरवीर हुए, यही मनसा वही मन शरीर हम तुमको दे रखा है और हम इसकी कीमत नहीं पहचानते। हम तो सुप्रंतर दुख पावे सिर धन धन पछताए, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अब काल को ईश्वर को दोष लगाता है,
इसलिए उठो और उस चीज को समझने की कोशिश करो। कहाँ मिलेगा? महात्मा के पास मिलेगा, जो तुमको तुम्हारी ज्ञान नेत्र खोल देगा, ज्ञान तुमको देगा, जिसके वचन में ऐसी ताकत हो। महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर्ण के, रवि कर्ण कर गुरु का मतलब ये गुणाम अंधेरा रू नाम प्रकाश, जो अंधेरे को मेट के उजाला करे उसका नाम है गुरु। तुलसीदास जी कहते हैं बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर्ण कर। जैसे रात को अंधेरा होता है, सब ये मकान ऐसे रहते हैं, पहाड़ नदियां भी वैसी रहती है, लेकिन दिखाई नहीं देता। सुबेर सूर्य भगवान निकलते हैं, सब चीज जैसी जो चीज है वैसी दिखाई देती है। ऐसे गुरु के वचन से महामोह, जो माया का मोह हो गया, अंधेरा हो गया, ज्ञान हो गया, उसका ढेर जो है गुरु के वचन से नाश हो जाता है। जैसे रात्रि का अंधेरा सूरज के निकलने से नष्ट हो जाता है, इस प्रकार के समझाया। ऐसा गुरु बनाओ जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा गुरु बनाओगे तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं तो व्यर्थ चले जाओगे। गुरु के माने ये हैं भाई, जो अंधेरे में उजाला करे। देखो ये बंगाली महात्मा अंग्रेजी जानता है, डबल में है, और महात्मा भी हो गया, और कब से महात्मा है लेकिन अभी तक रास्ते का पता नहीं था। देखो पूछा, बैठो, बैठा है। हम ऐसी ढेंग नहीं मारते, जो बात हम कहते हैं या दुनिया के लोग बताओ ये हमसे पूछ ले, और नहीं पूछोगे भाई तो तुम्हारे तुम ही अंधेरे में रहोगे, अंधेरे में जाओगे। हम सच कहते हैं कि ये तुम लोगों के पास ये चीज नहीं है। देखो फिर भगवान कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान रूप में जिसकी श्रद्धा नहीं है, 9 अध्याय का पहला श्लोक में बताया कि वो बहुत उत्तम है, मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसको जान लेने से तो चौराहे से छूट जाएगा। दूसरे में बताया वो बहुत सब विद्याओं की राजा है, सब गोपनियों की राजा है, उत्तम है, पवित्र है, धर्म अनुकूल है, साधन करने को बड़ा सुगम है, और अविनाशी है, नाश नहीं था, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और फिर बताया जिसका इस तत्व ज्ञान में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, वो कभी भी मेरे को नहीं मिल करके चौरासी में भ्रमण करेगा, चौरासी में भटकेगा। जो तंत्र मंत्रों के भरोसे आप हैं, मैं महात्माओं की बात कहता हूँ, ये तंत्र मंत्र सब बनाए हुए हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत धर्मो कोई संसार, सार शब्द जाने बिना कोई ना उतर सी पार। और शब्द तुम वो मंत्र तुम सच्चे समझते हो तो तुम ही बताओ, जब तुम मंत्र जपते हो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है, तुम्हारा चित्त कहाँ टिकता है? और जब चित्त ही नहीं टिका, चित्त तो डामाडोल है। कबीर साहब ने जैसे कहा, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए, और मन वा तो दसों देश में या तो सुमरण नाए। ये सुमरण नहीं है, माला फिर तो झुक गया पान मन का फिर, और करका मन का डार दे मन का मन का फिर। मन का मन का कौन है, कौन मन की माला है, कौन मन का है, उसको जानोगे तभी तो फेरोगे, जब जानोगे नहीं तो फेरोगे कैसे? देखो जो श्री प्रकाश गवर्नर है, वो रिटायर है, बंबई के गवर्नर है, यहाँ राजपुर रोड में उन्होंने कोठी बनाया, उनके यहाँ है एक दाढ़ी वाला पंडित, वो डबल एम ए है, प्रोफेसर थे, उनके 4 लड़के वो भी एम ए और प्रोफेसर है, और 4 लड़की है वो भी प्रोफेसर है। तो उनने हमने कहा ये माला फेर तो झुक गया पान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, मन का कौन है बताओ? तो वो अनेक प्रकार से बताने लगे, लेकिन अभी तुमको याद नहीं है, यकीन नहीं है, मेरे साथ चलो, अभी वहां मौजूद है। वो नहीं बता सके, इसी एक चौपाई का अर्थ नहीं बता सके। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल से सुग्रासी, ईश्वर का जीव जो है अंश है, बस इतने ही आदि चौपाई है, चेतन अमल से सुग्रासी आदि और चौपाई है। आदि चौपाई का अर्थ बताओ, कहाँ कहाँ कौन है, कि ईश्वर का जीव कैसा अंश है और ईश्वर कैसा अंशी है। नानक साहब का लिखा है, मत कोई भ्रम भूले संसारा, प्रवीण कोई न उतर सी पारा। कोई किसी किस्म का भ्रम, लिखने का, पढ़ने का, जाति का, पाति का, रूप का, रंग का, किसी किस्म का रुपए पैसे के भ्रम में मत भूल जाना।
सच्चे गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता। मन मंदर बेस कलंदर घटे तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसे बहर जन्म नावा। कौन शब्द है वो जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं? गुरु नानक साहब कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने देवाणी सतबारे, जनमानस से देवता के हो कीर्तन लागी बार। जे सौ चंदा हो गए सुर चढ़े हजार, एते चांदन हो गया गुरुविन घोरंदा। बताओ कहां है वो रोशनी? मन मंदर बेस कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसे बहुत नावा। कौन शब्द है वो? वो सार शब्द क्या है उसको बताओ, जिसके नानक साहब कहते हैं देखो दुनिया के लोग। नानक गुरु नानक देव जी का कहना, एक को सुमरो नानक का जल थल है समाय, दूजा कहे सुमरे जमते मर जाए। जो जल में थल में नभ में सब में समाया हुआ है वो नाम सुमरो, दूसरा नाम तुम उच्चारण करते हो। वो पैदा हो गया उच्चारण बंद करना बंद किया मर गया, इससे तुम्हारी सदगति नहीं होगी, ये गुरु नानक साहब का कहना है। तो कौन समझता है महात्मा की वाणियों को? तुम लोग समझ नहीं सकते। जब तक 12 वर्ष रहो हंस की टोली तब आओ एक हंस की बोली, ये बात ऐसी नहीं कि तुम सहज में समझ जाओ। ग्रंथों का अर्थ नहीं समझते हो, वेदों का अर्थ नहीं समझते हो। वेदों में जो भर्गो देव सधी में ही लिखा है उसी का अर्थ बताओ। कल एक आदमी मिला हमको परसों, वो कह लगा मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ, शायद यहाँ आया भी होगा कि मैं जपता हूँ। मैंने पूछा अर्थ समझते हो? क्या अर्थ नहीं समझता। अरे मैं गायत्री मंत्र तुम जपते हो तो अर्थ क्या कुत्ता समझेगा या गधा समझेगा अर्थ को? तुम समझते हो जब तुम गायत्री मंत्र को जपते हो, तुमको समझना चाहे उसका उसका भर्गो माने तेज भर्गो देव सिद्धि में ही मैं उसका ध्यान करता हूँ। करते नहीं हो, इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, तिनके मुंह काला होंगे साए के दरबार। तुम लोगों के काला मुंह होंगे, कहते तो हो लेकिन करते नहीं, जानते नहीं, जानते नहीं कहोगे क्या? तुम तो वही कहते हो जिसके लिए तुम पढ़ते भी हो। माला तो कर में फिरे अजीब फिरे मुखमाए, अमन हुआ तो दसों दस में या तो सुमरण है। आप ही तुम पढ़ते हो ये सुमरण नहीं है, मन तो दसों दिशों में फिरता है और आप ही फिर तुम उसको कह रहे हो राम 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 राम। इसीलिए दुनिया देखो डूबी जा रही है, ये सचमुच दुनिया डूब रही है। दुनिया ऐसे अंधकार में जा रही है कि मैं क्या कहूँ। अभी हम रास्ते में आए, वो जो खड्डे में सिनेमा है उसका सड़क में भी अब वहां कितनी भीड़ है और टिकट लगेगा, अब तब सिनेमा दिखाएंगे वो बायोस्कोप देखेंगे। यहाँ खुला मैदान है, गर्मी के दिन है, ठंड भी नहीं है और पर्चे भी छपवाए और लाउड स्पीकर में ऐलान भी कराया, तब भी देखो कितने आदमी और टिकट भी नहीं है, टिकट भी नहीं मुफ्त। हम उस नाम को बांटते हैं भगवान का नाम को और फिर भी नहीं उसका ग्राहक कोई है। तो इसीलिए कहते हैं कबीर साहब, ये जग अंधा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ, एक दुई होवे उन्हें समझाओ, सभी बुलाना पेट का धंधा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ। पानी का घोड़ा पवन सरोवा, पानी का घोड़ा पवन सरोवा, डरग परे रसोस का बुंदा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ। घर की वस्तु नजर ना आवे, घर की वस्तु घट में है सुझे नहीं, नाल तैसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। घर की वस्तु नजर ना आवे, दिया बाल के ढूंढत अंधा में कई समझाओ, ये जग अंधा में कई समझाओ। दिया बाल के अंधा ढूंढ रहा है और रामायण में पाठ करता है, राम भक्त चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहे कछु दिया घृत बाती। राम भक्त चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंदर, जिसके हृदय में बास करे परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन में भी रात में भी परम प्रकाश है, उसके लिए नहीं चाहे कछु दिया घृत बाती। उसके लिए दिया बत्ती घी की जरूरत नहीं, अपने आप प्रकाश है,
स्वयं प्रकाश है और उसके लिए फिर दिया बदला जलाता है। दिया बाल के ढूंढत अंधा में के समझाओ, कत कबीरा सुनो भाई साधो, कत कबीरा सुनो भाई साधो, एकदम जाए लंगोटी झार बंदा में के समझाओ, ये जग अंधा में के समझाओ। एक दिन खाली हाथ झार के जाओगे, देखो एक दिन वो था जब कैरों का सूर्य निकला हुआ था, तब तो पाता था और लोग उसके तरफ देख भी नहीं सकते थे। और कल देखो, पहले तो सूर्य भगवान वैसे अस्त हो गया, प्रधान वो चीप मिनिस्टर से निकल गया और कल तो शरीर भी चला गया, गोली मार दिया रात को। मान लो गोली मारने वाला मिल भी गया, उसको फांसी भी लटका, लेकिन कैरों का तो शरीर छूट ही गया भाई। इसलिए एक क्षण भंगुर है शरीर, ये मनुष्य देह न मालूम किस वक्त काम पर छूटेगा। या तन कांचा कुंभ था, ले फिर था साथ, तब काला गा फूटिया कछु न आया हाथ। अगर कैरो साहब को ये मालूम होता रास्ते में मुझे गोली चलना है, तो ना वो दिल्ली में रहते ना रास्ते में आते। महात्मा गांधी को ये मालूम होता आज मुझे गोली चलना है, गोली लगेगी तो ना उस सभा में जाते, कुछ बहाना कर देते कि शरीर में तकलीफ है, ना जाते। भाई कोई भरोसा नहीं शरीर का, किस वक्त शरीर छूट जाए। इसलिए कहते हैं कबीर साहब, उठ जाग क्या सुख सवेरे कायागढ़ के मवासी, उठ जाग क्या सुख सवेरे कायागढ़ के मवासी, हे जीव हे मनुष्य उठ और अपने प्रभु के तरफ लाग, उस सुमरण करो। सच्ची शांति सुमरण से मिलती है, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण के साय माय समाए। सच्ची शांति को अगर चाहते हो तो प्रभु का सुमरण करो, आ नहीं तो धक्के खाओगे 84 में, और 84 में भी धक्के खाओगे। भजन बिना बल बिराने हुई, भजन बिना बल बिराने हुई, जब बैल बनोगे तो थोड़े दिन में तुम्हारी नाक छेदी जाएगी, एक डोरा डाला जाएगा नाक में, और तब गाड़ी में जोते जाओगे, और नहीं चलोगे तो पीछे से डंडा पड़ेगा, पूछ पर उड़ी जाओगे। तब कैसे तुमको शांति मिलेगी, कैसा तुमको सुख मिलेगा। इसलिए कबीर साहब का कहना, उठो और भजन में लगो। उठ जाग क्या सुख सवेरे कायागढ़ के मवासी, उठ जाग क्या सुख सवेरे कायागढ़ के मवासी। देखो हमारे साथ के चले गए, जा रहे हैं, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामन काज तैयार खड़ा, अब जा रहे हैं, हमने भी जाना है, रहने की जगह नहीं। कबीर महात्मा कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार काटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार झाड़र झांझर, ये संसार झाड़र झांझर, आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कत कबीरा सुनो भाई साधो, कत कबीरा सुनो भाई संतो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। गुरु महाराज का दिया जो सच्चा नाम है वही ठिकाना ठिया है, नहीं तो चले जाओगे बाहर जाओगे। जो धर्मदास राजा काशी के राजा धर्मदास को गुरु बनाए, वो कहते हैं, गुरु पैया लागो नाम लखाई दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाई दीजो रे, गुरु पैया लागो,
घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। जन्म जन्म का सोया मनुमा, जन्म जन्म का सोया मनुमा, शब्दन मारी जगाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। भवसागर की अगम भय धरवा, भवसागर की अगम भय धरवा, खे के पार लगाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, आपकी खेप निभाए दीजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दीजो रे गुरु पैया लागो। सुनो समझो प्यारे सज्जनो, कि जो मेरा कहने का मतलब है, भगवान का जो सच्चा नाम है वो अक्षरों के अंदर नहीं है, वो बाहर किताबों में नहीं है, वो हृदय में है, सबके हृदय में है। उस सच्चे नाम को जानना चाहते हो, परमात्मा की जो सच्ची ज्योत है उसको जानना चाहते हो, तो तुम्हारे में है। तुमको जनाने वाला जना सकता है उस सच्ची ज्योति को, उस सच्चे नाम को जो जानना हो तो तुम जान सकते हो, और उसके बिना तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। बताओ ना, शब्द बिना श्रुति आंधी कहो का को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर बिरबट का खाए। तुम्हें बताओ तुम्हारी चित्तवृत्ति कहां टिकती है। भक्ति जो सच्ची भक्ति है वो ये है, जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये मानो भगवान है, भगवान सबके दिल में है, हिंदू मुसलमान चूड़ा चमा सब गौ भैंस मच्छर कीड़ा मकोड़ा सबके दिल में है, और ये भगवान में हमने अपना मन को लगा दिया, ये मन भी सभ्य है अपने चित्त को लगा दिया, ये भगवान हुआ, हम भक्त हुए, हमने क्योंकि अपना चित्त लगा दिया, ये हमारा चित्त लगाना जो है भक्ति है। ये तीन के बिना भक्त हो नहीं सकता। तुम्हारा चित्त कहाँ लगता है, और कई लोग ये कहते हैं कि ये चित्त तो एकदम नहीं टिकता। अर्जुन को विराट रूप बताया और दिव्य नेत्र दिए, हजारों सूर्य की रोशनी के बराबर भी, उस रोशनी की बराबर नहीं हो सकता है, सब भी स्वरूप दिखाया, फिर भी अर्जुन कहता है महाराज ये तो एकदम नहीं टिकता। भगवान कहते इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन अभ्यास और वैराग से काबू में होता है। मैं सच कहता हूं, अभ्यास करने वाला और नहीं करने वाला, तुम जब तुमको आनंद आने लगेगा, तुम चाहोगे कि नहीं मन लगाओ मैं तो जबरदस्ती तुम्हारा मन लगेगा। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद को प्रहलाद के पिता ने बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया, बड़ा बड़ा कष्ट दिया, और ये कहा कि उस नाम को तो छोड़ दे, लेकिन उसने कहा मैं छोड़ू लेकिन छूट नहीं सकता, वो सचमुच ऐसा नाम है, तुम उसको भूलना भी चाहो छोड़ना भी चाहो भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, भुला नहीं सकते उस नाम को, लेकिन सच्चे दिल से एक विश्वास चाहिए उसमें, और उसका कुछ दिन स्मरण करो, देखो कितना आनंद आता है। फिर तुम प्यारा जी तो ऐसा कहेगा सुबेरे सुबेरे उठो, उठो जैसे ही हो, वो तो स्वतंत्र चीज है, नाने धोने की भी उसमें जरूरत नहीं, कि सब सामान तेरे साथ है। अब बैठ जाओ बिस्तर पर, बैठो ऐसी जगह में बैठो, और इस तरह से बहुत आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं उसकी अगर उपमा दू समझाऊ तो क्या समझाऊ मैं, तुम करके देखो तब मालूम होगा तुम्हें कितना आनंद आता है उसमें, तुम करो तब मालूम होगा, बिना करने का मैं क्या कहूँ। गुरु जैसा आनंद आता है या मिश्र जैसा आनंद आता है क्या मैं बताओ, लेकिन करो करके देखो, अफसोस है कि तुम करते नहीं हो, मैं क्या करूँ। जो लोग करते हैं हमारे साथ है रहते हैं, देखो इनके माँ बाप तो कम से कम होंगे, ये भी तो माँ बाप छोड़ गए साधु बन गए, अभी तो तुम यहाँ थोड़ा साधु देखते हो, बहुत बहुत साधु हमारे साथ रहते हैं, जिसको पूछना हो हमारे महात्मा है ये सब उपदेश देते हैं,
ये सब उस नाम को बताते हैं, उस प्रकाश को बताते हैं। ठीक कृष्ण भगवान अपने समय में जैसे अर्जुन को बताया, हम गुरु महाराज कि बताया वैसे ही बताते हैं, और किसी को यकीन नहीं है आ जाओ हमारे पास, हम ऐसे ही बताते हैं जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। वही रोशनी बताते हैं विश्व रोशनी जो सब में है, वही नाम बताते हैं जो सब में है, वही खंड नाम बताते हैं जो कभी खंडन, जिसका कभी नाश नहीं है, जो जिसको महामंत्र कहते हैं, महामंत्र जो जपत महसु काशी मुक्ते तुपदेश, जिस नाम की महिमा स्वयं राम भी नहीं गा सकते, कहो काल नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई, उस नाम को हम बताते हैं। वो वचन हम बताते हैं जिससे महामोत्तम नाश हो जाता है। अगर किसी को जानने की रुचि हो तो ये महात्मा लोग भी बताते हैं, हमारे पास भी आ सकते हो। जो कोई बाहर जाना हो तो हमारे जगह जगह बताने वाले हैं। अभी आज सवेरे हमको अलीगढ़ से आया, वहाँ बहुत बड़ा सत्संग है, और अलीगढ़ में जगह जगह होता है, पटना बिहार में तो बहुत ही सत्संग है, कलकत्ता में सब जगह है हमारा। हम तुमको आज तक क्यों छिपे रहे हैं तुम भाई, हम इसलिए हम कहते थे जानते हैं लोग, लेकिन जब हमको मालूम हो गया कि सब सचमुच ही दुनिया अंधी है नहीं जानती, तब हम डंके की चोट अब कहते हैं कि किसी को जानना है तो हम बता देंगे, लेकिन सदा तो होगा उसको बताएंगे, डंडे के जोर से नहीं बता सकते। और हम नहीं, जितने कितने हमारे महात्मा हैं, कितने गृहस्थी लोग हैं, उनसे पूछो कि वो ठीक वही ज्ञान देते हैं और ज्ञान देते हैं, तुम पूछ सकते हो। अभी वही जिसके लिए भगवान कहते हैं कि जिसके जान लेने से सुबह ज्ञान विज्ञान से ज्ञातवामुक्षे सुबह, जिसको जान लेने से तो अशुभ से बच जाएगा। अगर वो तुमको सच्चा ज्ञान चाहे, उसको जरूरत है, जिसको जान लेने से तुम चौराहे से छूट जाओगे, तो भाई रावण के जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे, उसने कहा अच्छी बात कल पढ़ने छोड़ना, काल कहे आज कहे कल बजो, काल कहे फिर काल, और आज काल कहते हैं सरजासी चाल। अरे जल्दी करना चाहे, जो अच्छी बात हो उसके लिए तो जल्दी से जल्दी करना चाहे, कल कहा कल तो काल के हाथ में, कल नहीं आएगा कभी भी। इसलिए सज्जनों रावण ने लक्ष्मण को कहा अच्छी बात कल पढ़नी छोड़ना, अगर तुम लोगों को ये सचमुच अच्छी बात मालूम होती है, तुम लोगों को ये क्या कहते हैं कल्याण की बात मालूम होती है तो इसको करो, और नहीं मालूम होती है तो न करो भाई, हमारा तो कोई जोर देना वो जबरदस्ती तो कराना है नहीं, तो अपना मन का मतलब है। लेकिन देखो कलिकाल में सब लोग कहते हैं कि मनुष्य की तादाद ज्यादा हो गई, इसीलिए मनुष्य की तादाद ज्यादा हो गई कि कलिकाल में जो मनुष्य हैं वो अपगुण करेंगे, खराब काम करेंगे। देखो ब्रह्मानंद ने एक लिखा है भजन है, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, हाड मास की बनी पुतली ऊपर जड़िया चाम, देख देख लोक जावे मेरा मन उपराम, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। भाई क्या दुनिया में हो रहा, भगवान को भुला दिए, जो जिसकी मर्जी, कोई कहता धर्म ही नहीं, कोई कहता ये धर्म है, कोई कहता वो धर्म है, कोई कहता ये रास्ता है, कोई कहता वो रास्ता है। अरे रास्ता तो होना चाहिए जो हिंदू मुसलमान ईसाई चूड़े को सबके लिए एक जैसा हो, और सदैव सब काल में हो, वो होना चाहिए सच्ची चीज, तो सदैव हमेशा सच्ची रहेगी। इसीलिए नानक साहब कहते नानक था भी सच है भी सच, हो सी भी सच, आगे भी सच्ची सच रहेगा, वो तो तीनों कालों में सच है। जो तुम्हारे तंत्र मंत्र हैं, रोजा निवाज हैं, ये तीनों कालों में नहीं है। तुम्हें बताओ जब मोहम्मद साहब जी हुए थे तब क्या धर्म था, जब गुरु नानक साहब जी हुए थे तब क्या धर्म था, क्या वो लोग जपते थे, और अब वो लोग बताने वाले नहीं रहे, अब आगे क्या लोग बताएंगे जानेंगे। ये दुनिया अंधेरे में है, मैं क्या समझाऊं, इसीलिए कबीर साहब ने कहा इसको 100 बार समझाओ पर ये नहीं मानती दुनिया, चाहे कितना समझाओ।
आज दुनिया में कितने धर्म हैं, धर्मों के नाम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया है, पर किसी की खोपड़ी में ये नहीं आता कि जब बुद्ध भगवान नहीं पैदा हुए थे उनके परदादे का क्या धर्म था, जब गुरु नानक देव जी का अवतार नहीं हुआ था उनके परदादे का क्या धर्म था, जब क्या कहते हैं कबीर साहब नहीं पैदा हुए थे उनके परदादा अरदादा का क्या धर्म था, यीशु मसीह जब पैदा नहीं हुए थे तब उनके परदादे का क्या धर्म था। आज तो कहते हैं हम ईसाई धर्म है हमारा, उनका उनका परदादे का भी तो ईसाई धर्म रहा होगा। ए सब खटकर्म है, सब झूठे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रम को संसार, इस धर्म में मत भूलो। सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार, शब्द बिना सुरतियां री कहो का को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर बटका खाए। तुम बताओ जब तुम माला जपते हो, मंत्र जपते हो, रोजा निमाज पढ़ते हो या कोई संध्या भजन करते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति कहाँ रहती है, तुम्हारा ठिया ठिकाना कहाँ है? और जब वो वैसे धक्का खाता है तो तुम्हारा उस बैठने का क्या मतलब हुआ? अपने तरफ से तो तुम बहुत कोशिश कर लो, जैसा तेली का बैल होता है कोलू में बंधा होता है, आंखों में ऊपर से पट्टी है और सारा दिन चलता है, अपने तरफ से तो 20 कोस चला गया, बस सुबह जहां बंद था शाम को वहीं खुला। यही कोलों की गति तुम लोगों की है, संसार के लोगों की। अपने तरफ से तुम बड़ा पुण्य दान तीर्थ व्रत शुभ काम कर रहे हो और बड़ा पाठ पूजा कर रहे हो, लेकिन जहां के बंदे हो वहीं के वही हो, एक कदम भी आगे नहीं बल्कि पीछे हटे हो, आगे नहीं बढ़े। अब तो तुमको किसी तरह प्रभु की तरफ से मनुष्य जन्म मिल गया, अब इसलिए पीछे हट गए कि अब लग मनुष्य जन्म पा के लग 84 में जाओगे, इतने पीछे हट गए। इसलिए जो अच्छी चीज है सच्ची चीज है हमसे नहीं पूछो, किसी से पूछो, लेकिन पूछो क्या, जो कि ये वर्ण जो है 16 स्वर अब 32 व्यंजन, ये तो किसी का जब शरीर हुआ होगा मुख हुआ होगा तब तो उच्चारण किए होंगे, तब उसका तो उच्चारण करने वाला तो पहले हुआ। मान लो ऋषियों ने वेद बनाए तो पहले ऋषि थे ये वेद, बाद में पहले वेद हुए तब बाद में ऋषि बने, ऋषियों हुए होंगे, उन्होंने प्रभु का ध्यान किया, उनको जो अनुभव हुआ वही तो वेद है। आपदबाग बिंद धातु से वेद शब्द बनता है, जो सच्ची बात है वही वेद है। तो इसलिए भाई वो वेदों से परे की बात है, वेद शास्त्र में इसीलिए गीता में लिखा है वेद पढ़ने से मेरा ज्ञान नहीं होता, यज्ञ करने से मेरा ज्ञान नहीं होता। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं वेद शास्त्र में सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ वेद शास्त्र में रखा है, कुछ नहीं रखा भाई। वेद में आयुर्वेद में बर्मी बूटी लिखा है तो बर्मी बूटी तो बाहर मिलेगी, वेद में थोड़ी मिलेगी। गीता में लिखा नदियों में गंगा मय हो तो गीता में गंगा थोड़ी है, गंगा तो जहाँ है वही है, गंगा तो हरिद्वार में मिलेगी, तुमको गीता में नहीं मिलेगी। इसलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दिया हुए हाथ, कहीं कभी वस्तु तपाए भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ के वस्तु दे लिखाए, कोट जन्म का पंथ तापल में पहुंचा जाए। अरे चीज तो कहीं चीज है तुम्हारे अंदर, तुम ढूंढते हो पोथियों में पत्रों में बद्रीनाथ में केदारनाथ में, कोई पूर्व को जावे कोई पश्चिम को जावे, प्रभु का न भेद पावे व्यथा फिरे है फेरे, वो तो घट में है घर में कंकन छिपावे, ढूंढन को दूर जावे फिर के समीप पावे, मन में करो बिचारा। जब भी मिलेगा तुमको भगवान अपने अंदर में, जब भी मिलेगा जिसको भी मिलेगा, जिसको भी मिला अपने अंदर मिला, अपने अंदर देखो किस तरीके से देखोगे, क्या रास्ता है, यही महात्मा के पास पूछने की बात होती है। हम सब काम दुनिया में अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मन कैसे रुकेगा, मन कहाँ खड़ा होगा, मन कहाँ टिकाना, ये काम अपने आप नहीं हो सकता। इसलिए भी महात्मा के पास जाना पड़ सकता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मुझे कोई राह बताओ, कोई युक्ति बताओ, कोई योग बताओ, कोई तरीका बताओ,
कोई रास्ता बताओ कि मैं मन भगवान की तरफ लगाऊं, तब महात्मा लोग तुमको बताएंगे कि किस तरीके से भगवान की तरफ मन लगता है। और तुम चाहोगे अपने आप, अरे अपने आप तो तुम 1600 जो 26 अक्षर अंग्रेजी के ये भी सीधे उन्हीं को निरख सकते हो, उन्हीं को तुमको ज्ञान नहीं होता, तो वो जो गुहा विद्या राज विद्या है उसका ज्ञान तुमको बगैर गुरु के कैसे हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो, गुरु बिनु भवन दिते न कोई, ग्रंथ संकर सम होई। चाहे तुम ब्रह्मा के प्राण ये सृष्टि बनाने लग जाओगे, हो सकता है, ये सृष्टि का पालन करने लग जाओगे, हो सकता है, ये सृष्टि का नाश कर लोगे, ये हो सकता है, ये तीनों काम भी तुम कर लोगे, हो सकता है, लेकिन गुरु के बिना तुम्हें ज्ञान होगा ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात के लिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और नहीं करोगे तो पछताओगे, पीछे रोगे, स्वपन तक दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काली कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, अपने हाथों से अपना सिर पीट पीट के मर जाओगे, छाती पीट पीट के मर जाओगे अज्ञान के अज्ञान से। जब कोई किसी का बच्चा मरता है तो कूटते हैं पीटते हैं, काहे के लिए कूटते पीटते हैं? अरे बेकुबो, जिसके लिए तुम कूटते पीटते हो वो तुम्हारे अंदर है, उसको जानो, उसको नहीं जानते, शरीर तुम्हारे साथ में पड़ा हुआ है, एक बाल भी से उसमें नहीं झड़ा, हाथ वैसे हैं, टांग वैसे हैं, दांत वैसे, मुंह वैसा ही, परंतु रूह उसमें से जो निकल गई वही तुम्हारे में भी तो है, श्वास उसमें से निकल गई, श्वास तुम्हारे में भी तो है। अंधा हो देखो, सूझो समझो, ये जग अंधा। और कबीर साहब भी कहते, वो नानक साहब भी कहते, वो तुलसीदास जी भी कहते, घट में है सूझे नहीं, नल तैसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, ये दुनिया को मोतिया बिंद हो गया, अब तुमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा इस मोतिया बिंद का, तब तुम्हारे यहाँ खुलेंगे, नहीं ऑपरेशन कराओगे धक्का खाओगे, खड्डों में गिरोगे, टकरे खाओगे, और लक्ष्य राशि में धक्के खाओगे, नहीं तो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए, आजकल ठंडी के दिन है अच्छा ऑपरेशन होगा, नहीं गर्मियों में फिर तुम्हारा पाख पड़ने का डर है, गर्मियों में तुमको पाख पड़ जाएगा, फिर ऑपरेशन कराओ, इसलिए जल्दी ऑपरेशन कराओ। अब विद्वानों, और तो क्या, आदि चौपाई रामायण, आदि चौपाई रामायण का अर्थ नहीं कर सकते, ईश्वर अंश कैसा है एक दो एक अर्थ नहीं बता सकते, माला फेर तो झुक गया, पाए न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कहे कौन सी मन का है माला, कौन सा मणका है, कैसा फेरा जाता है, नहीं बता सकते। एक भजन है ब्रह्मानंद का, अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ, झरे सदा सुखकारी रे, पंगु प्रसडे बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे, बिना बजाए निस्तन बाजे घंटा शंकर नगारे रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के माल बना है तामे जो तु जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे, जीता मर के फिर जीवे बिन भोजन बल धारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे, कहता है सर देखा मैंने बड़ा भारी गगन में अमृत का को देख, गगन कहते आसमान में,